प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेक सिंगुलर टू प्लूरल इन सेंटेंसेस, कि हमें जो सेंटेंस दिए हुए नीचे उनमें जो सिंगुलर है उसको हमें प्लूरल बनाना है। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब हम सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट जो सिंगुलर है उसको जब हम प्लूरल बनाते हैं, तो साथ में आई हुई हेल्पिंग वर्ब भी किस प्रकार चेंज होती है। तो बच्चों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि हम आपको पता लगे कि हम किस प्रकार सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, और जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो साथ में आई हुई हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार बदलती है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल शिक्षा क्रांति पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं मेक सिंगुलर टू प्लूरल इन सेंटेंसेस। जो हमारे सब्जेक्ट है उनको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ हमें, इसमें क्या है सब्जेक्ट हमारा? ए गर्ल। क्या है? ए गर्ल। तो ए गर्ल का मतलब एक लड़की, तो इसका प्लूरल क्या होगा? ए गर्ल का प्लूरल होगा गर्ल्स। क्या होगा? गर्ल्स। तो ए गर्ल इज स्विमिंग इन द पॉन्ड, कि एक लड़की तालाब में स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है? तैरना। कि एक लड़की तालाब में तैर रही है। अब लड़की का हम क्या बनाएंगे? लड़कियां। और लड़कियों को क्या कहते हैं? गर्ल्स। क्या कहते हैं? गर्ल्स। तो यहां पे ए खत्म हो जाएगा, क्योंकि ए एक के लिए होता है, और गर्ल का क्या हो जाएगा? गर्ल्स। गर्ल्स इज, इज किसके लिए आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज का प्रयोग किया जाता है, परंतु यहां पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? प्लूरल। तो प्लूरल के लिए इज की जगह क्या प्रयोग होगा? आर। तो देखिए, सब्जेक्ट के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी चेंज हो गई है। गर्ल्स आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड। सेकेंड है द शॉपकीपर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? शॉपकीपर, जो कि सिंगुलर में दिया हुआ है। हैज सोल्ड द टॉफीज, कि जो दुकानदार है वो टॉफी बेच चुका है। तो जो सिंगुलर है इसको हमें प्लूरल करना है, तो शॉपकीपर का प्लूरल क्या होगा? शॉपकीपर्स। और जो प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा? हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैव। प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। शॉपकीपर्स हैव सोल्ड द टॉफी। शॉपकीपर्स हैव सोल्ड द टॉफीज। थर्ड वन इज ए लीफ वाज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। ए लीफ, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हमारा? ए लीफ। तो ए लीफ क्या है? सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा? लीफ का प्लूरल क्या होता है बच्चों? लीव्स। क्या होता है? लीव्स। लीव्स, अब जब ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ यहाँ पे सिंगुलर के साथ वाज, तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होगा? वर। वाज किस में बदल जाएगा? वर में। लीव्स वर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। लीव्स वर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। फोर्थ वन इज, यहां क्या दिया हुआ है? काउ। काउ क्या है? एकवचन यानी कि सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा? काउज। और यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि वर्ब दी हुई है। वर्ब के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? किया गया है ई एस, गिव, गिव्स।
जब सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे एस का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनेट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनेट टेंस में सिंगुलर के साथ वर्ब एस या ईएस के साथ आती है, तो यहाँ सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ एस का प्रयोग किया गया है। अब ये क्या कर दिया हमने, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होगा, एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। तो काउज गिव अस मिल्क, काउज गिव्स अस मिल्क। फिफ्थ वन, द बेबी इज प्लेइंग विद द टॉयज। द बेबी क्या है, द बेबी इसका मतलब क्या है, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा, द बेबी का बेबीज, और इज सिंगुलर के साथ आता है तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, पहले हम कर चुके हैं, प्लूरल के साथ इज की जगह क्या आएगा, आ। बेबीज आर प्लेइंग विद द टॉयज, विद द टॉयज। सिक्स्थ वन इज ए बॉय, ए बॉय एक लड़का, तो इसका कई लड़के हम कैसे बनाएंगे, ए बॉय एक लड़का, तो इसका प्लूरल क्या होगा, बॉयज, क्या होगा बच्चों, बॉयज, और एज किस में बदल जाएगा, जब यहाँ पे प्लूरल है तो एज आर में चेंज होगा, बॉयज आर रनिंग इन द ग्राउंड। बॉयज आर रनिंग इन द ग्राउंड। सेवन वन इज द फ्लाई, द फ्लाई, फ्लाई क्या होता है बच्चों, मक्खी, अगर ये सब्जेक्ट की जगह है तो फ्लाई का अर्थ होता है मक्खी, अगर ये वर्ब की जगह है तो फ्लाई का अर्थ होता है उड़ना, तो यहाँ ये सब्जेक्ट की जगह है तो ये क्या है, मक्खी है, तो ये द फ्लाई एक मक्खी है, तो इसका प्लूरल क्या होगा, फ्लाइज, फ्लाइज, और जब सिंगुलर के साथ इज तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होगा, प्लूरल के साथ किसका होगा, फ्लाइज, इज किस में बदल जाएगा, आर, फ्लाइज आर ट्रबलिंग हिम, फ्लाइज आर ट्रबलिंग हिम, फ्लाइज आर ट्रबलिंग हिम। तो बच्चों आज हमने सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना सीखा, सिंगुलर सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना सीखा, और प्लूरल बनाने के बाद जो उनकी हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है उसमें किस प्रकार का चेंज हुआ वो हमने सीखा। तो बच्चों इस वीडियो को एक बार और देखना ताकि आपको अच्छी तरह पता चल जाए कि किस प्रकार हम सिंगुलर सब्जेक्ट को प्लूरल बनाते हैं और फिर किस प्रकार वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस आते हैं। तो आज बस इतना ही, अगली वीडियो तक, बाय बाय।